हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए पैल वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड। और गाइस आज का जो पैल वर्ल्ड का एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जुड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर गाइस आप लोग ने हमारी पैल वर्ल्ड की जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट नहीं करी होगी तो उसको भी चेकआउट कर लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको पैल वर्ल्ड के सारे एपिसोड जो है वो मिल जाएंगे। सो उन एपिसोड को भी जरूर से देखना। बाकी पिछले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने फाइनली तीन एपिसोड की मेहनत और हम लोग ने फाइनली एनीबज जो है उसको मैक्स लेवल कर, नेक्स्ट लेवल 51 क्या, एक मिनट, ये क्या है, ये क्या है, ये सब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट 61 2, ये एक मिनट, ये सीन क्या है। अच्छा ये इनको एक्स्ट्रा एक्सपी मिली हुई है, ऐसा सीन है क्या, कुछ शायद से लग रहा है मेरे को ऐसा। ठीक है ये देखो, हाँ इनको ये एक्स्ट्रा एक्सपी मिली हुई है। ठीक है ठीक है, मुझे लगा भाई नेक्स्ट लेवल भी होती है 50 के आगे, शायद से आगे फ्यूचर में आएगी। ठीक है, सो हमारा सबसे पावरफुल अभी हमारे पास जो पोकेमोन है, सबसे पहले था ऑस्ट्रेलियन नॉक्स जिसकी 1503 डैमेज था, लेकिन अभी बन चुका है एनिबस 4 गोल्डन स्किल वाला जिसके पास मसलेड फ्यूरियस और टेंपरर ब्लरी बॉडी, ये 4 स्किल है और इसका अटैक है 1618। और इसी के साथ ये एनिबस सबसे ज्यादा पावरफुल वाला जो पोकेमोन है जो हमारे पास अवेलेबल है वो बन चुका है। और आज के इस वाले एपिसोड में मैं आपको इसका जलवा, इसकी पावर, इसकी एबिलिटीज, सारी कुछ चीजें जो गाइस वो दिखाने वाला हो। सो चलो सबसे पहले गाइस एक काम करते हैं, मैंने ये जो अंडे यहाँ पे डाले हुए थे बनाने के लिए इनको मैं कलेक्ट कर लूँ, इनको मैं इंक्यूबेट करने के लिए ऊपर जो है गाइस वो डाल के रख देता हूँ। और उसके बाद जो है गाइस हम आज एनिबस से ना भाई अलग अलग बॉसेस से फाइट लेने वाले, ठीक है, काफ़ी सारे बॉसेस से, ताकि हम लोग जो है गाइस हमारे एनिबस की जो है गाइस यहाँ पे पावर चेकआउट कर सके। ठीक है, अरे अंडे उठाना, अरे वाह भाई वो हो चुका हो भाई, पूरा फुल हो चुका हो भाई, मेरे पास जो है ना गाइस और अंडे उठाने के लिए जगह ही नहीं थी, तभी मैं बोला अंडे क्यों नहीं उठा रहा है। ठीक है मेरी गाय देखो बेचारे वहाँ पे फाइट कर रही है। ठीक है लिटल बिट हॉट, ठीक है ये यहाँ से हटानी पड़ेगी मुझे, ताकि यहाँ पे अंडे जो है कि 100% इंक्यूबेशन स्पीड के हैं, 7 इंक्यूबेट हो सके। ठीक है इसको डन, 14 मिनट, अबे यार हेलजेपर पक्का इसमें से हेलजेपर निकलेगा, 14 मिनट गाइज। हमको और ब्रीडिंग सेंटर इसके लिए तो बनाने पड़ेंगे, फिर ब्रीडिंग सेंटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी 15 मिनट में। और ये हेलजेपर के पास डिवाइन डिजास्टर अटैक है कि नहीं वही चेक करना है हमको, और कुछ नहीं गाइज। ठीक है इसके पास डिवाइन डिजास्टर अटैक जो है ना गाइज हमको ट्रांसफर करना है यहाँ पे। एक्चुअली में ये ब्रीडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे शैडो पेक का जो डिवाइन डिजास्टर अटैक है वो हम लोग को हिल जेपर के अंदर मिल सके। ऑल राइट इसके लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। चलो अंडे उठाने दो, मुझे और ब्रीडिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे लग रहा है गाइस, और ब्रीडिंग सेंटर, ताकि हमारे पास जो है गाइस और अंडे आ सके, क्योंकि इनके अंडे जो है गाइस वो इंक्यूबेट तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है चलो मैं यहाँ पे ओ केक वेक भी डाल देता हूँ, रुको मैं केक शेक भी डाल देता हूँ जल्दी से, पहले ये अंडे जो है गाइस वो यहाँ पे डाल दूँ, उसके बाद यहाँ पे केक वगैरह डालूंगा। और जो मेरे पास ब्लूप्रिंट वगैरह है इनको मुझे जो है गाइस नीचे यहाँ पे ट्रांसफर करने दो बॉक्सेस में, पहले यहाँ पे बॉक्स में ट्रांसफर कर लेता हूँ जल्दी से सारा सामान। ठीक है ऑल राइट, कुछ स्किल्स मिली, ओ स्किल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई। और ये भाई एक मिला है लाइफ पेंडेंट और ये फायर पेंडेंट, ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है। दूध और अंडे झंडे हैं, एक मिनट दूध दे दे और अंडे भी दे दे मेरे पास। ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी केक बनाने के लिए डालता हूँ, ठीक है काफ़ी सारे केक बनाने के लिए डालने मुझे, केक हमारे पास पड़े हुए पहले से, हनी चाहिए, अरे यार ऊपर से हनी लेके आता हूँ उनको बिठा ले भाई, ऊपर से हनी लेके आनी है मुझे, पता नहीं भाई यहाँ पे कितनी हनी दी होगी हमारी बीज ने, बीज हनी कम देती है और ट्रांसपोर्टिंग का काम ज़्यादा करती है, क्या ही बोले भाई हमारे बीज को। चलो रुको मैं जल्दी से यहाँ से सारे के सारी हनी, तो भाई मुझे एक भी नहीं दिख रही यहाँ पे यार, हनी तो एक भी नहीं दिख रही है यहाँ पे पड़ी हुई है क्या हनी है। अबे बीस क्या कर रहे हो तुम यार, ये फालतू गिरी क्यों कर रहे हो, बी नहीं करना ना ये काम, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है मेरी जान,
रुको भाई, ये ट्रांसपोर्टिंग वाला भाई एनिबस लगाओ रे, ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए एनिबस लगाओ, जल्दी से एनिबस को लगाओ। टू का ट्रांसपोर्टिंग रेट है भाई का, चल जाएगा। टू तो टू ही सही भाई, कर लेगा एटलीस्ट। ये ट्रांसपोर्टिंग का काम दो इनको जल्दी भाई। मुर्गियों को हटाओ, गायों को हटाओ, शिप्स को हटाओ। ठीक है, एनिबस को रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्टिंग का काम ये करते रहेंगे ना तो भाई बीच जो है गाइस वो ट्रांसपोर्टिंग पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, जाओ। अरे कौन था, अरे आ गई रेड, बेचता ही क्या रेड, बाप रे, बाय बाय बाय। इस बार बेस पे रेड आ गई भाई, गाइस लगाता नहीं, ये बेस पे आएंगे। अबे रॉकेट लॉन्चर चला रहे शेमड़े लोग, रॉकेट लॉन्चर चला रहे भाई। ठीक है भाई, आए कहाँ से यहाँ पे? जल्दी मारो इनको, जल्दी बैंड बजा। भाई साहब कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो गई है भाई, बहुत सारे लोग मारे गए गाइस यहाँ पे हमारे। अरे भाई बहुत सारे पैल मारे गए, टपक गए यार, बहुत सारे पैल टपक गए हमारे। ए रिवाइव हो जाओ यार जल्दी से, मुझे लगा नहीं था कि भाई यहाँ पे मतलब रेड सक्सेसफुल हो पाएगी, बट पता नहीं शायद से नीचे साइड से आए थे। ए भाई लोग ब्रीडिंग के लिए डाले हुए जिंदा है, दूसरे लोग टिल चुके, थोड़े से टिल चुके दूसरे वाले लोग। तू क्या वर्किंग कर रहा है? अच्छा इन लोग की भी हालत भाई थोड़ी ख़राब है, इन लोग का क्या सीन है? तुम कर रहे हो ना ब्रीडिंग? ये दोनों ब्रीडिंग पे है ना यहाँ पे? हाँ, और नीचे वाली ब्रीडिंग थोड़ी सी भाई वो हो गई है, इधर उधर हट चुकी है। अच्छा एक काम पे आ गया अपने, वापस से काम पे आ गया ना, ब्रीडिंग चल रही है ना, बस ये देखने दो। हाँ ब्रीडिंग चल रही है, फिर और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी पैल्स रिवाइव करने पड़ेंगे, रुको पैल्स को रिवाइव करने के लिए निंजा टेक्निक। और भाई ये बी मैडम जी इधर आओ पहले। ठीक है, तुमको हन्नी देनी है और कुछ काम करना ही नहीं है, चुपचाप से जाओ यहाँ पे हन्नी दो। ठीक है, चुपचाप से हन्नी दो। दूसरी बी कहाँ पे? ये रही, 20-20 की बैंड बच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, रिवाइव हो रहे गाइस पैल्स धीरे धीरे करके। ठीक है, रिवाइव हो रहे। क्या करने जा रहे हो अभी, किसको मारने जा रहे हो भाई? ये छोड़ो ना, ये झगड़ा झगड़ी क्यों कर रहे हो फालतू में, छोड़ दो भाई। भाई लोग रिवाइव हो जाओ जल्दी से, जो भी मरे पड़े यहाँ पे। गाइस कम ऑन, रिवाइव हो जाओ भाई, हो जाओ रिवाइव, होंगे रिवाइव हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हनी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो केक नहीं बन पाएंगे गाइस। ठीक है, केक नहीं बन पाएंगे, रुको यहाँ पे डालने दो, केक नहीं बन पाएंगे, अफसोस भाई। साइड लाइन ये कौन है जो भाई अभी तक इनको वो कर रहा है, मार रहा है? कोई है क्या ऐसा पैल? नहीं ना, नहीं कोई भी नहीं है इनको मारने के लिए यहाँ पे, तो डर किससे रहे भाई ये लोग, पता नहीं किस चीज से डर रहे। चलो आ जाओ भाई जल्दी से, ऐसे अंडे उठाने दो, केक के चार हिस्से करके यहाँ पे डाल देता हूँ। पहली बार बट काफी टाइम बाद जो है ना गाइज उस वाले बेस पे रेड हुई है, काफी टाइम बाद भाई। ठीक है चलो आ जाओ, ये अंडे यहाँ पे इनक्यूबेट करने के लिए डाल देता हूँ जल्दी। ठीक है, जितने भी लेके आओ, कुछ मिसाइल भी मुझे मिले, मुझे रॉकेट लॉन्चर्स भी बनाने थे भाई, लेकिन वो बाद में बनाएंगे। अभी एनिबस की पावर मैं आपको दिखाने के लिए जाने वाला हूँ लेके। ठीक है, इसको मैं अलग अलग प्रोसेस से जो ना गाइस बिड़ाऊंगा ताकि आप लोग इसकी पावर जो है गाइस वो देख सको। 90 केक के पहले चार हिस्से बनाए जाए और इन केक्स को मैं यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर्स में डाल देता हूँ अपने। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं एनिबस से बॉसेस को मारने के लिए। अरे यार 80 केक्स के चार हिस्से, ठीक है 102 वहाँ पे केक डन, ऑल राइट 40 यहाँ पे, केक की थोड़ी कमी पड़ रही है हमको, हनी का जुगाड़ जो है जल्दी से करना पड़ेगा। ये किसको मारने के लिए कहाँ भाग रहे हैं, कौन है भाई यहाँ पे, ये लोग कहाँ भाग रहे भाई? हेलो एक मिनट क्या हो रहा है, कोई एक मिनट रुक जाओ, कोई तो चीज है यहाँ पे जो इन लोग को जो ना वो कर रही है, उंगली कर रही है, देखो उसको मारने के लिए जा रहे। आई थिंक से जमीन के अंदर ग्लिच हो चुकी है भाई ये चीज, जो भी है भाई। मुर्गियों रिवाइव हो जाओ, एनिबस
रिवाइव हो जा भाई जल्दी से, मैं जा रहा हूँ अभी बॉस को मारने के लिए, आ जाओ। चलो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रिवाइव विवाइव हो जाएंगे और हम लोग वहाँ से हट जाएंगे तो जो भी वहाँ पे चीज़ें वो ऑटोमेटिकली डिस्पॉन हो जाएगी। ठीक है आ जाओ, थोड़े से भी केक शेक खाते हैं। और अभी गाइस मैं आपको अपने एनिमल्स की पावर दिखाने वाला हूँ, क्या लग रहा है गाइस कितना डैमेज देगा अपना एनिमल्स। एनिमल्स भाई 57,000 डैमेज बोलते बॉयज, 57,000 डैमेज। ओके कितना, 62,000 डैमेज भाई साहब, ले भाई 62,000 डैमेज। और डैमेज दे रहा, मजाक कर रहा है एनिमल्स भाई, एनिमल्स भाई तुम तो भाई तबाही मचा रहे हो। रुको रुको अंदर अंदर बॉस को, बॉस को वन शॉट भाई लिख के ले लो, बॉस वन शॉट मारा है भाई, वन शॉट। अगर ये बॉस को मार पाया ना गाइज तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है गाइज, इस बॉस को अगर मेरा एनिमल्स वन शॉट मार पाया तो। ठीक है एनिमल्स जा, एनिमल्स गो गो, एनिमल्स गो, कूल डाउन पे अटैक लग रहा है, अटैक कूल डाउन पे लग रहा है। ठीक है कोई ना कोई ना कोई, एनिमल्स भाई गो। अरे ये अटैक नहीं देना था, दूसरा अटैक देता ना मर जाता है। इस अटैक का डैमेज 23,000 बॉस पे डैमेज पड़ रहा है, बाहर डैमेज पड़ रहा है 60,000। हेलो बॉयज, हाँ फ्रॉस्टेलियन नॉक के डैमेज को अभी तक बीट नहीं कर पाया ये। ठीक है फ्रॉस्टेलियन नॉक के डैमेज को अभी तक बीट नहीं कर पाया है, ठीक है, या फिर बीट करेगा ये फ्रॉस्टेलियन नॉक के डैमेज को। ठीक है रुको मैं बताता हूँ कैसे, रुको ना, फ्रॉस्टेलियन नॉक का 67 फ्रॉस्टेलियन नॉक्ड नहीं सॉरी नॉर्मल फ्रॉस्टेलियन के डैमेज को अभी तक ये बीट नहीं करा है, क्योंकि इसका 67,000 का डैमेज गया था और मुझे लग रहा है अपने एनिमल्स का 67,000 से ऊपर डैमेज जा सकता है। बताता हूँ कैसे, रुको बताता हूँ नहीं दिखाता हूँ रुको। ठीक है 67,000 अभी तक का सबसे हाईएस्ट डैमेज फ्रॉस्टेलियन ने दिया था अपने, बट अभी कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट आने वाली है। ठीक है एनिमल्स जो है वो किसके अगेंस्ट भाई ज़्यादा पावरफुल होता है, एलिमेंट में चेक करा जाए, ग्राउंड टाइप इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट ना, हाँ मेरी जान गाइस, कितना कितना गाइस 67 ना, 67,000 ना बोले तो। इधर हम भाई एनिमल्स भाई, एनिमल्स भाई, एनिमल्स भाई यार कब कब मारोगे एनिमल्स भाई, एनिमल्स भाई 67,000 का रिकॉर्ड तोड़ना है हमको, 67,000 का। जी जी काफ़ी बढ़िया, कितना, अरे नहीं यार 49,000 भाई, 60,000 से 49,000, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कम ऑन ब्रो, कम ऑन मार दे भाई एनिमल्स भाई, मार दे यार, मार दे एनिमल्स भाई, मार दे 47,000। ठीक है 60,000 गाइस इसका डैमेज भाई, यहाँ पे रजिस्टर हुआ है 60,000 डैमेज। ठीक है मार दे भाई इसको, मार मार एनिमल्स मार, किसको मार रहा ना, 46,000 इनके ऊपर 46,000 ही जा रहा है, वैसे वहाँ पे उस टावर के पास ना 60,000 डैमेज जा रहा था इसका, मैं दिखाता हूँ रुको आपको, मैं दिखाता हूँ अगर इसका डैमेज कितना जा रहा था, वेट अ मिनट आ जाओ। ठीक है 60,000 तक का डैमेज जा रहा है भाई एनिमल्स का, उससे ऊपर डैमेज जो है जो हमारे एनिमल्स का नहीं जा पा रहे, 60,000 मैक्स टू मैक्स। ओके ये देखो 60,000, मार भाई मार मार, अटैक अटैक कूल डाउन पे लग रहा है, अटैक कूल डाउन पे, अटैक एग्रेसिवली ब्रो, अटैक एग्रेसिवली ब्रो, मार दे मुर्गियों को जल्दी। ओके नाइस जी जी, डैमेज देखो 36,000, ठीक है डैमेज जाएगा अभी उनको, और जाएगा और जाएगा और जाएगा और डैमेज जाएगा उनको 56,000, 60,000 जाएगा डैमेज, ये देखना अभी 60,000, 51,000, 46,000। ओके उसने 60,000 दिया तो था यानी बस ने, बट अभी यहाँ पे दे नहीं पा रहा हूँ, आसमान से भाई जंप करता है ना वो देखो 54,000, 50,000-60,000 तक का डैमेज जा रहा है, बट मैंने सोचा था ना 67,000 का जो फ्रॉस्टेलियन का रिकॉर्ड है ना वो भी हमारा एनिमल्स तोड़ पाएगा, बट अफसोस गाइस ऐसे हो नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है इसका डैमेज तो भाई फ्रॉस्टेलियन का डैमेज ना भाई ब्रेक नहीं कर पा रहा कोई, इसका डैमेज अगर हम दिखा मैं दिखाऊंगा ना आपको, ये देखो ठीक है 25,000 अभी यहाँ पे पड़ रहा है, वैसे इसका डैमेज जो है ना गाइस वो 67,000 तक का जा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा हाई डैमेज है। चलो कोई ना एक काम करते हैं हम लोग अभी बॉसेस को जाके मारते डायरेक्टली, ठीक है तभी पता चलेगा कि एनिमल्स जो है हमारा वो यहाँ पे कितना खतरनाक डैमेज यहाँ पे दे पा रहा है। ठीक है लेट्स गो, आ जाओ गाइस बॉसेस की बैंड बजाते हैं, सबसे पहले जाएंगे गाइस हम लोग यहाँ पे आइस वाले बायोम में टावर बॉस पे,
ठीक है आ जाओ भाई, इस बॉस को मारते हैं हमारे एनिबस से। एनिबस को भाई 5 लेवल कराया मैंने, ठीक है। सो डैमेज तो इसके अगेंस्ट भाई ओपी वाला जाना चाहिए हमारे एनिबस का। देखते बाकी, चलो आ जाओ, लेट्स सी, देखते हैं गाइस एनिबस जो है गाइस वो यहां पे इस बॉस को मार पाता है कि नहीं भाई कुछ ही अटैक्स में, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 या 6 अटैक, उससे ज्यादा अटैक इसको मारने के लिए लगने नहीं चाहिए एनिबस को। एनिबस भाई लेट्स गो, लेट्स गो एनिबस, एनिबस, एनिबस। आ इसके कूलडाउन पे अटैक्स होते हैं यार, अटैक कूलडाउन पे होते हैं इसके। कम ऑन एनिबस, अटैक कूलडाउन पे, अटैक कूलडाउन पे, ठीक है। जा रहे हैं मारने, 4000। आ एनिबस भाई, एनिबस भाई डैमेज कहाँ है, एनिबस भाई डैमेज कहाँ है आपका गाइस? क्या लग रहा है, वर्थिड है ये? जितनी हमने मेहनत करी है गाइस उस हिसाब से वर्थिड? आप बताना खुद, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताना खुद वर्थिड है। पब्लिक ने बोला था इसको मैक्स लेवल कर दो, ठीक है। 4 ने मैंने 3 गोल्डन स्किल चलो भाई डाल दी, डिफेंस वाले एक स्किल डाली है। मुझे थोड़ा सा गाइस बुरा तो लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इस एनिबस का इतना भी डैमेज नहीं जा पा रहा है कि कुछ ही स्किल में उसको मार पाए वो। देखो तो अगर यहाँ पे मैं अपने फ्रॉस्टिलियन मैक्स को उतारू ना चुटकी बजा के, गेम देखना है कैसे बचता है। ये देखो गेम बचता है इससे, ठीक है, गेम बचता है बॉस का ऐसे, कैसे गाइस ये देखो ऐसे ऐसे गेम बजाया जाता है कुछ ही सेकंड्स में। कितना टाइम लगा बताओ, कितना टाइम लगा यहाँ पे? बजा बजा बैंड बजा, बैंड बजा भाई, बैंड बजा, बैंड बजा, कम ऑन मार दे भाई, अबे मार दे, अबे यार ये अटैक नहीं कर रहा अपना फ्रॉस्टलैंड मैक्स, फ्रॉस्टलैंड मैक्स भाई अटैक नहीं कर रहा। ऑल राइट लेट्स गो, ठीक है भाई ऐसे मारा जाता है भाई बॉस इसको। रुको मैं बाहर निकालता हूँ इसको, फ्रॉस्टलैंड मैक्स को। एनिबस जो है ना गाइस वो मुझे थोड़ा सा भाई वीक लग रहा है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा वीक लग रहा है। कम ऑन एनिबस, कम ऑन एनिबस लेट्स गो। अरे ले भाई, वो अटैक को टच करके उसने अपने अटैक जो है गाइस वो डिसेबल कर दिया, बंद कर दिया। ओह 32 एचपी, मार दे भाई एनिबस, मार दे एनिबस भाई, कम ऑन लेट्स गो फाइनली गाइस। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 से लेके 10 तक इसको रेटिंग देना, जो हमारे पास दूसरे 5 लेवल के भाई पैल्स है उससे कंपेयर करो इस एनिबस को। 1 से लेके 10 तक, 1 मतलब एकदम घटिया, 10 मतलब एकदम ओपी। सो 1 से लेके 10 तक हमारे एनिबस को रेटिंग देना और बताना गाइस कि एनिबस आपको कैसे लग रहा है। जितने हमने इसके ऊपर मेहनत करी है, इसको 5 लेवल करने के लिए, इसकी ब्रीडिंग करने के लिए हम लोग ने जितनी मेहनत करी है, क्या वो मेहनत गाइस यहाँ पे आपको लग रहा है कि रंग ला रही है, उतना डैमेज हमारा एनिबस दे रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे बुरा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइस यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुका हूँ ये देख के कि एनिबस का इतना भी डैमेज नहीं जा पा रहा है कि कुछ ही अटैक्स में यहाँ पे अपने ओपोनेंट्स को मार सके। एनिबस भाई कम ऑन ना, एनिबस भाई कम ऑन ना, कम ऑन यार, 2000 हेल्थ है यार एनिबस, इनको भी वन शॉट नहीं मार पा रहा तू यार, इसको तो मेरा फ्रॉस्टलिन एक एक फटके में मारे। एनिबस भाई क्या कर रहे हो, ये बेइज्जती करा रहे हो एनिबस भाई तुम, सच में भाई, सच में एनिबस भाई बेइज्जती करा रहे हो यार तुम, फालतू में बेइज्जती करा रहे हो भाई। ये लो हाँ अभी मार दिया भाई, चलो फाइनली। क्या यार एनिबस गाइस, मुझे ना सच बताओ चलाने का मन नहीं कर रहा भाई एनिबस को ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था ना इतनी मेहनत करने के बाद वैसा कुछ एनिबस निकला नहीं है, ठीक है निकला नहीं। रुको थोड़े और बॉसेस को मार के देखते हैं, इतने जल्दी जज नहीं करेंगे, थोड़े और बॉसेस को। बुशी को तो भाई मार चुका हूँ, और कौन से बॉसेस को मारना बाकी है? किंग पाका भाई, चलो आ जाओ किंग पाका भाई को मार के देखते हैं, आ जाओ लेट्स गो। थोड़े थोड़े ना लो हेल्थ वाले बॉसेस को मार के देखते जिनको एक फटके में कोई भी मार पाता है, ऐसे बॉसेस को मार के देखते हैं, ठीक है। रुको ये रहा, ठीक है लेट्स गो। किंग पाका भाई को जो है ना गाइस यहाँ पे हम लोग आराम से मारने वाले हैं, उम्मीद कर रहा हूँ इसको जो है ना गाइस यहाँ पे इस किंग पाका नहीं है, ये किंग पाका नहीं है ना, इसका नाम क्या है, रुको इसका नाम क्या
इस बॉस को. व्हाट? हाँ आ गए. पेन किंग, पेन किंग, पेन किंग भाई आ जा भाई. पेन किंग को तो एक पटके में मार दे एटलीस्ट. हाँ चलो भाई, किसी को तो एटलीस्ट इसने एक पटके में मारा. ठीक है चलो, किसी को तो एटलीस्ट एक पटके में मारा. खुश हूँ मैं, खुश हूँ, खुश हूँ. फेदर रेड, ओ गोल्डन. गाइस गोल्डन लेजेंडरी ब्लूप्रिंट मिल गई यार. लेट्स गो, लेट्स गो. ओपी बोलते गाइस, ओपी बोलते. गोल्डन लेजेंडरी ब्लूप्रिंट मिल गई मेरे को. यानी बस को खाना खिला देता हूँ रुको मैं थोड़ा. चला जा. यानी बस भाई, बस बस हो गया भाई, बस हो गया. तूने थोड़ा सा भाई मेरे को डिसअपॉइंट तो करा ही. आप है डिसअपॉइंट तो करा रुको. अब एक काम करते और थोड़े बॉसेस को जाके मार के देखते. मेरा ना सच बताओ ना गाइस, थोड़ा सा मूड खराब हो गया गाइस देख के यार बस को. ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये मार रहा है ना, बुरा तो लग रहा है. कितनी मैंने डैमेज जा रहा है पिछले वाले एनिबस से, मैं बोलूंगा ज्यादा डैमेज जा रहा है. ठीक है, पिछले वाले एनिबस से काफी ज्यादा डैमेज जा रहा है इसका. पिछले वाला एनिबस जो है वो लगभग भाई 20,000 या 30,000 डैमेज दे रहा था, इसका 60,000 तक डैमेज जा रहा है, जो काफी ज्यादा है. बट जितनी मेहनत मैंने 60,000 डैमेज भाई निकालने में लगाई है, वो वर्थ इट नहीं थी. ठीक है, मैंने सोचा था कि हमारे जितने भी पाल से उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल वाला एनिबस बनेगा ये पैल, बट अफसोस ऐसा कुछ हो नहीं पाया. ठीक है, भले दिखने के लिए उसका डैमेज भाई ज्यादा दिख रहा है वहां पे, बट रियलिटी में फ्रॉस्टेलियन मैक्स स्टील एनिबस से ज्यादा डैमेज दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, फ्रॉस्टेलियन मैक्स स्टील भाई सबका पापा है भाई. उसका डैमेज अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया जो 67,000 का था. एनिबस भाई मार दो यार, एनिबस एक आप ही है. चलो एटलीस्ट मार देगा, अभी दो तीन तो मरेंगे. पर नहीं देख रहे हो गाइस, सेम फाइट ना, सेम फाइट, सेम टाइम काउंट करना, टाइम काउंट करना कितना लगा इसको टाइम. आप खुद काउंट करना, सेम फाइट में फ्रॉस्टेलियन मैक्स से लेने वाला हो अभी. ठीक है रुको रुको, सेम फाइट लेके दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही बताना कौन है भाई ज्यादा पावरफुल यार. उबा तो बस सारा मूड खराब कर दिया भाई. क्या कर रहा है एनिबस, एनिबस भाई क्या कर रहा है तू भाई? 5 लेवल का तेरे को भाई ऐसे फालतू में कर दिया यार मैंने सच में. जितना मैं इसको चला रहा हूँ ना, उतना ज्यादा मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहा हूँ भाई. ये देखे कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है एनिबस यार. और हम लोग ने भाई कितनी मेहनत करी इसके अंडे भाई हैच कर करके, मेरे हाथ जो है वो छिल गए भाई इसके अंडे हैच कर करके. इतना टाइम वेस्ट हो गया और स्टिल शो कर रहा है इसका कि डैमेज आई है सबका. भाई पप्पा है यहाँ पे, यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ डैमेज है इसका 1600, सिर्फ दिखाने के लिए. रियलिटी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, रियलिटी चेक कर लो अभी थोड़ा. ठीक है देखो, रियलिटी चेक कर लो. ठीक है, कहाँ पे वो नहीं, कहाँ पे सेम बॉस को मारने जा रहा हूँ मैं, सेम बॉस को मारने जा रहा हूँ. कहाँ पे भाई, यहाँ पे सेम बॉस को मारने जा रहा हूँ. अभी देखना गाइस, अभी देखना बस, सेम जो बॉस है उसको मैं फ्रॉस्टेलियन मैक्स से मारूंगा. अगर इसका डैमेज आप एनिबस से देखो, एनिबस का 1618 डैमेज है, फ्रॉस्टेलियन मैक्स का 1400, मतलब 200 डैमेज कम है. ठीक है, यहाँ पे स्टैट्स में ऐसे ही दिख रहा है कि 200 डैमेज कम है, बट रियलिटी देखो अभी, रियलिटी चेक गाइस. ठीक है, रियलिटी चेक, ये देखो रियलिटी चेक करो. क्या है ये, क्या है, क्या है बताओ भाई, आप बताओ गाइस, आप खुद बोलो भाई क्या है ये. वन शॉट वाले थे ये. ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि ये जो भाई पैल्स थे ना वो एनिबस के, देखो आइस वाले पैल, ग्राउंड वाले पैल के अगेंस्ट स्ट्रांग नहीं होते. तो ऐसी बात नहीं कि ये स्ट्रांग हो गए इसलिए भाई ज्यादा टाइम लगा मारने में, नहीं भाई कुछ भी इफेक्ट नहीं होता इसका. ठीक है, फिर भी एनिबस को इन तीनों को मारने में इतना टाइम लगा, जबकि फ्रॉस्टेलियन जिसका डैमेज उससे 200 कम है, उसने चुटकी बजा के गेम ओवर कर दी. चुटकी बजा के बताओ भाई, ये होता है भाई, ये होता है गाइस अपना भाई पैल. लेजेंड है इसके पास भाई, सच में भी ओपी है भाई, ये लेजेंड पैल है यार. गाइस मैं अभी क्या बोलूँ यार, एनिबस जो है गाइस उसको मैं सोच रहा हूँ भाई मैं अपने इन्वेंटरी में ना रखूँगा अभी फिलहाल के लिए. ठीक है, मेहनत करी, मुझे लगा था मेहनत का फल भाई मीठा होगा, बट यार इस बार खट्टा मिल गया थोड़ा फल. ठीक है, मैंने आपको डेमो करके भी दिखा दिया एनिबस और फ्रॉस्टेलियन मैक्स अपना. आप खुद आप लोग ने भाई देख लिया यहाँ पे कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, आप लोग ने खुद ही देख लिया यहाँ पे. क्या बोले यार, सच में भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है मेरे को और बुरा भी लग रहा है एक तरह पर, एक थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है. क्या कर सकते हैं अभी, चलो आ जाओ.
चीजें यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। लेजेंडरी वाली ब्लूप्रिंट मिल गई है गाइस किसी दो चीज़ की, ये एक अच्छी चीज़ हुई आज के इस एपिसोड में, ठीक है। और एनिबस के बारे में तो क्या ही बोले यार, ना बोले तो अच्छा है। इसको मैं गाइस अब अगले एपिसोड में अपने इन्वेंटरी से निकालने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको अपने इन्वेंटरी में नहीं रखने वाला हूँ क्योंकि इसने भाई पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया मेरा, ठीक है। इससे अच्छा मैं भाई टालीडेस नेक्रोमस को रख लूँ भाई, नेक्रोमस भी भाई काफ़ी तगड़ा डैमेज दे रहा है, मैं नेक्रोमस को रख लूँगा। तू भाई बाकी आप बताओ, मैं अगर 1 से लेकर 10 तक इसको भाई रेटिंग देना चाहूँ ना, मैं -1 दूंगा भाई, सच में -1 क्यों दे रहा वो भी बताता हूँ। जितना एफर्ट गाइज मैंने लगाया ना गाइज, इसके अंडे हैच करने में कितना टाइम लगा बताओ हमको भाई, दिन नहीं हफ्ते लग गए भाई, हफ्ते, ठीक है हफ्ते लग गए भाई। अंडे हैच करो, गोल्डन स्किल निकालो, हाइब्रिड ब्रीडिंग करो, क्रॉस ब्रीडिंग करो, हफ्ते लग गए सब कुछ करने में। और हफ्ते लगने के बाद अगर ऐसा भाई रिजल्ट निकलेगा, अगर एक आध दिन लग जाता ना तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, बट कितने दिन लग गया हमारे भाई। और अभी जाके गाइज यहाँ पे ऐसा रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं बताओ भाई। मैं तो इसको -1 रेटिंग दूंगा भाई। आप आगे आप बताओ, आप क्या बोलोगे, आपको कैसे लगा भाई हमारा ये एनिबस जो है ना गाइज, ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। गोल्डन स्किल मिलने के बावजूद भी ना जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला भाई बन नहीं पाया यहाँ पे, नहीं -1 एक्चुअली में देना नहीं चाहिए यार ऐसे, ठीक है मुझे तो लग रहा है। ऑल राइट -1 नहीं देता मैं, चलो 5 दे देता हूँ, क्योंकि गाइज अगर कंपेयर करें स्टार्टिंग वाला जो पहला एनिबस था उससे, तो उससे कंपेयर करें तो भाई इसका डैमेज तो भाई डबल जा रहा है, ठीक है उससे कंपेयर करा जाए तो। सो ऐसे -1 नहीं दे सकता मैं, 5 रेटिंग देता हूँ, ठीक है। आप बताओ आप कितना रेटिंग दोगे, ठीक है। बाकी आज का ये वाला एपिसोड ना इसे एनिबस से भाई बॉसेस को मारने के साथ ये पे खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी जो प्लेलिस्ट है गाइस पैल वर्ल्ड की, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, उसमें आपको सारे के सारे पैल वर्ल्ड के एपिसोड्स लाइन से देखने को मिल जाएंगे। सो पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना मेरे दोस्तों। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है पैल वर्ल्ड का हो जाता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं पैल वर्ल्ड के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। You and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.